वेलकम टू माय यूट्यूब डिजाइनपुर में माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे बैड ब्लाउज डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिजाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और इस वीडियो क्लास तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको डिजाइन अच्छी तरीके समझ में आएगी। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। चलिए मैं आपको इसका लेंथ दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज की जो लेंथ रखी है 13.5 इंच है और गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई है और गले का जो नेक मैंने डीप रखा है वो 10.5 इंच है और 1.5 इंच का देखिए मैंने एक मार्क किया है, वहाँ से मैंने क्रॉस कटिंग की है। इस तरीके से मैंने गले को कट कर दिया है। ब्लाउज का गला भी सेम उसी तरीके से मैंने कट कर लिया है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ब्लाउज और अस्तर के कपड़े को बिल्कुल बराबर में फैला लिए हैं। अब इसको चलिए एक सिलाई लगा के पहले गले को स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने गला देखिए कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं आपको ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए मैं गले में कट्स लगा ली हूँ, जहाँ से भी कॉर्नर हो वहाँ से कट्स लगा लीजिएगा। अब इसे हम उलट कर सीधा कर देंगे। तो अच्छे तरीके से सीधा कर लीजिएगा कॉर्नर से बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर एक सिलाई लगा के हम इसे स्टिच कर देंगे। तो पहले गले को देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। तो मैंने गला देखिए पूरा स्टिच कर दिया है। पूरे ब्लाउज की अराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको एक साइड रखेंगे, मुझे डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसको मैं स्क्वायर साइज में कुछ कपड़े कट कर लेती हूँ। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैं कैसे कट कर रही हूँ। ये मैंने देखिए कट कर दिया। अब इसको एक साइड करेंगे और मैं ये गोल्डन कलर का कपड़ा ली हूँ। इसकी लंबाई जो मैं रखूँगी 2 इंच रहेगा, चौड़ाई भी इसका 2 इंच, मतलब 2 इंच की लंबाई 2 इंच की चौड़ाई पर हम इसको कट कर लेते हैं सबको। तो ये देख लीजिए मैंने सबको बराबर में करके कट कर दिया है। अब चलिए मैं आपको इसका डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। तो वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे इसका डिज़ाइन बना रही हूँ, ऐसे आपको भी बनाना है। इसका डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे डिज़ाइन को बना रही हूँ। एक मैंने बना लिया। इस तरीके से मैं आपको कुछ और बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये बिल्कुल सही से तरीके से समझ में आ जाए। तो ये देख लीजिए मैंने आपको इतने सारे डिज़ाइन बना के दिखा दिए हैं। इसी तरीके से जो बचे हुए हैं सबको बना लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक है उसको कट करके निकाल दीजिएगा। देखिए मैंने सबको कट करके निकाल दिया है। अब मैं इसी तरीके से पूरा जितने हैं सबको देखिए मैंने बना लिया है। तो मैंने जितने थे उनको जो मुझे डिज़ाइन बनाना, एक मैंने डिफरेंट कलर में बनाया, देखिए गोल्डन और ब्लू में। और ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने 5 इंच की लंबाई और 5 इंच की चौड़ाई रखी है। और देखिए मैं कैसे इसको बना रही हूँ, वीडियो में आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। अब दोनों को एक साथ में रखते हुए हम स्टिच कर देंगे।
ये देखिए मैंने डिज़ाइन को इसको स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं आपको इसको आगे का डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये मैंने देखिए कपड़ा लिया है, अब इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। इसका मुझे चौड़ी वाली थोड़ी पट्टी बनानी है, तो देख लीजिए मैं पूरा इस तरीके से स्टिच कर देती हूँ डबल फोल्ड करते हुए। तो मैंने इसे स्टिच कर दिया है, अब इसे मैं उलट कर सीधा करूँगी। तो चलिए मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए ये पट्टी सीधी हो चुकी है। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन कहाँ पे यूज़ करना है वो बाद में दिखाती हूँ। तो पहले मैं ये जो बड़ा वाला मैंने डिज़ाइन बनाया इसको ले लेते हैं। और ये मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा ले लिया है। अब ब्लाउज़ पे मुझे दोनों साइड से गोल्डन कलर की पट्टी स्टिच करनी है। तो चलिए मैं आपको पट्टी स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो कैसे स्टिच करना है आप वीडियो में देख लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा देखिए मैं फोल्ड कर ली हूँ और जहाँ से मेरा गले के साइड से, और इसे स्टिच कर देंगे ब्लाउज पे रख के। तो कैसे स्टिच किया जा रहा है वो भी आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ से फोल्ड करते हुए फिर स्टिच कर देंगे। ये देख लीजिए कम्प्लीटली मैंने पट्टी स्टिच कर दी एक साइड से। अब एक साइड से मैं आपको डिज़ाइन भी बना के दिखा देती हूँ कैसे इसका बनाया जाएगा। तो मैंने जो डिज़ाइन बनाई हुई थी उस डिज़ाइन को इसके ऊपर हम रख के स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा स्टिच करके दिखा देती हूँ। देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा एक साइड से डिज़ाइन को स्टिच कर दिया। इसी तरीके से मैंने दोनों साइड से कर लिया है। अब इसका आगे का डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लीजिए मैंने ब्लू कलर की पट्टी ली है। अब इसको एक साइड से पहले मैं डबल फोल्ड करके जहाँ से मैंने सिलाई लगा के डिज़ाइन को स्टिच किया था सेम उसी जगह से मैं इसे स्टिच कर देती हूँ। इससे मेरा सिलाई जहाँ पे मैंने लगाया है वो पोर्शन छुप जाएगा। तो ये नीचे के साइड भी फोल्ड कर लीजिएगा और दूसरे साइड से भी अंदर के साइड फोल्ड करते हुए फिर सिलाई लगा देंगे। एक साइड से देखिए कम्प्लीटली हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी कर लेंगे जैसे मैंने उस साइड से किया है। तो मैंने दोनों साइड से इसको कम्प्लीटली बना दिया है। अब बीच का डिज़ाइन जो मैंने बनाया हुआ था उसको यहाँ से रख के हम सिलाई लगा के स्टिच कर देते हैं। तो देख लीजिए वीडियो में। तो ये देख लीजिए ये स्टिच हो चुका है। अब मैंने जो पट्टी डिज़ाइन बनाने के लिए स्टिच किया था उसका यूज़ करेंगे। तो पहले मैं मार्क कर देती हूँ मुझे कहाँ से इससे स्टिच करनी है पट्टी को। तो देखिए मैं मार्किंग कर दी हूँ एक साइड से, इसी तरीके से दूसरे साइड से भी मार्क कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली मार्क कर दिया है। अब मैं पट्टी ले लेती हूँ, यहाँ से रखते हुए पट्टी को स्टिच कर देंगे। इसको देखिए मैं फोल्ड करती हूँ ऊपर के साइड से, तो कॉर्नर करती हूँ फिर स्टिच कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। ये देख लीजिए ये मैंने एक साइड से स्टिच कर दिया है, दूसरे साइड से भी ऐसे ही पूरा स्टिच कर देंगे। तो देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली सिलाई लगा ली है, ये कम्प्लीट स्टिच हो चुका है ब्लाउज। ये ब्लाउज डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है और ये बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करके आपके लिए डिज़ाइन बनाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आप मैं कोई नई डिज़ाइन जब अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकेगा। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं, कोई ब्लाउज देख सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।